नंबर 7 तक कर चुके थे, तो आज उससे आगे करेंगे। तो हम कर रहे हैं फिलहाल एक्सरसाइज 2.1, बेसिक एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर रहे हैं अभी। और टुडे डेट इज 3/7/20 एंड वी आर डूइंग द क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज दैट लेट ए द सेट ए इज इक्वल टू 1,2 एंड बी इज इक्वल टू थ्री कॉमा फोर। ठीक, हाउ मैनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ सबसेट कितने होंगे, ये आप पहले निकाल सकते हो एंड लिस्ट देम, उनकी लिस्ट भी बनानी है। ठीक है ना, लिस्ट भी बनानी है, सबसेट्स भी निकालने क्या क्या बनेंगे। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें ए क्रॉस बी निकालना होगा। क्या करना होगा इसमें, हमें सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड करना होगा। बिल्कुल, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे, चार एलिमेंट आएंगे। मैंने आपको पहले बताया दो एलिमेंट इसमें, दो एलिमेंट इसमें, दोनों की गुणा कर दोगे तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक, यहाँ पर हमें पता लग गया कि चार एलिमेंट हमारे आएंगे। ठीक, सॉल्यूशन करते हैं अब इसका। सॉल्यूशन में क्या है हमारा कि ए क्रॉस बी में हमारे एलिमेंट क्या बनेंगे, 1,3, 1,4, 2,3, 2,4। ठीक, अब ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी हमारे पास कितने हैं, 4 है। ठीक है, तो सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी या नंबर ऑफ सबसेट्स बता दो, चाहे ऐसे कर लो, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 to the power 4। ठीक है, यानी कि 16 सबसेट्स बनेंगे। अब क्या करना है, उसकी लिस्ट बनानी है। तो ये काम लिस्ट बनाने का आप कर सकते हो। सबसेट्स देखो, सबसे पहले एम्प्टी आएगा इसमें और अपने आप में ये खुद आएगा, यूनिवर्सल वाला आएगा, खुद अपने आप आएगा, ये 1,3 पूरा आएगा, 1,4, 4, ये दो तो ट्रिवियल सबसेट होते हैं जो आसानी से आ जाते हैं, है ना। अब इसके बाद आप देख लीजिए, पहले 1,3 आएगा, एक सेट ये बन जाएगा, फिर 1,4 का एक सेट बनेगा, फिर एक 2,3 का सेट बनेगा, फिर 2,4 का सेट बनेगा। ठीक है, नहीं, फिर इसके बाद आप 1,3 और 1,4 का सेट बनाओगे। ऐसे लिस्ट बना लो 16 सबसेट्स की, फिर आप 1,3 2,3 का बना लो, फिर आप 1,3 और 2,4 का आपका बन जाएगा। ठीक, कितने बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अभी तक बन गए, आपको 7 और बनाने हैं। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, 1,4,2,3 को लोगे, 1,4,2,3, 10th हो गया ये आपका। लिस्ट देम बोला है ना उसने, तो लिस्ट भी तो बनानी पड़ेगी। और फिर 1,4,2,4 हो गया, ठीक है, फिर आ जाएगा आपका 2,3,2,4 का, 2,3,2,4
24, तो यहाँ पर आपके कितने बन गए, 10, 11, 12, ये बन गए। चार और बनाने हैं, चार बनाओ। देखो 1 3 1 4 2 3 कर लो, 1 3 1 4 2 3। अब कितने बनाने हैं, तीन बनाने हैं, 1 3 2 3 2 4। अब कितने बनाने हैं, दो बनाने हैं, तो 1 3 1 3 1 4 2 4। और अब 1 3 को स्किप कर देते हैं, लास्ट वाला हमारा बनेगा 1 4 2 3 2 4। ये हमारे बेसिकली 16 जो सबसेट्स जो लिस्ट पे हम बोला है, ये हम इस तरीके से 16 सबसेट जिसके नेमली निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये अपने ऑब्जर्वेशन को ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको उसके पेयर बनाने, याद रहेगा। क्लियर है सभी को ये? इज दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रिप्लाई प्लीज। रिप्लाई मी फास्ट इफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस, ओके, बढ़िया। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में, कहता है लेट ए एंड बी टू सेट्स, जिसमें ए सेट में हमारे पास तीन एलिमेंट हैं और बी सेट में हमारे पास दो एलिमेंट, और कह रहा है अगर ए क्रॉस बी के अंदर आपके पास ये एलिमेंट आ रहे हैं एक्स कॉमा वन, वाई कॉमा टू, जेड कॉमा वन, मुझे ये बताइए ये एलिमेंट आ रहे हैं ए क्रॉस बी, ये नहीं, ये एलिमेंट ए क्रॉस बी के अंदर है और भी हो सकते हैं, ठीक है ना, और भी हो सकते हैं, पर ये तीन एलिमेंट ए क्रॉस बी के अंदर है, ऐसा दिया हुआ है। ऐसा नहीं दिया हुआ क्योंकि इसके अंदर तो 6 एलिमेंट आने चाहिए ना, उन 6 में 3 एलिमेंट तो ये, तो आपको ये बताना है ए में क्या एलिमेंट होंगे और बी में क्या एलिमेंट होंगे, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले आप ये बताइए ए के एलिमेंट बताइए, ए में क्या एलिमेंट आएंगे, सेट ए में क्या एलिमेंट बनाओगे आप, बताइए भाई ए सेट में कितने एलिमेंट आएंगे। ठीक है, सेट ए में कितने एलिमेंट आएंगे ये बताओ। सो गए, बस सुबह सुबह सो गए हैं पहली क्लास में। भाई ये देखो ना, मैंने क्या बताया था, पहला वाला जो पेयर में पहला जो प्लेस होता है वो ए सेट के लिए होगा, तो यहाँ पर क्या नंबर था, क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं एक्स वाई और जेड, और तीन ही वो बता रहा है सेट में तीन एलिमेंट है, तो आपको नहीं पता लग रहा है ये सेट में कितने एलिमेंट आने चाहिए, एक्स में यही आएंगे एक्स वाई जेड बस। अब बी में बताइए फटाफट इसी तरीके से, बी में बताओ अब कितने एलिमेंट आएंगे, कौन से एलिमेंट आएंगे, सॉरी कितने आएंगे तो पता है दो एलिमेंट आएंगे, पर कौन से दो एलिमेंट आएंगे ये बताओ। ये वो वाला क्वेश्चन है जिसे अंधा भी बता सकता है, भाई ये कोई तो इसमें तो ये सर ये आएगा, तुम क्या देख रहे हो क्या पढ़ रहे हो, इसमें इतना भी नहीं बता पा रहे, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। अरे भाई इतना टाइम लगेगा क्या, सीधी सी बात है, बी का मैंने आपको क्या बताया था भाई, बाद वाला जो प्लेस है वहां पे बी के एलिमेंट आएंगे, तो बी में देखो एक वन आ रहा है एक टू आ रहा है, बस बात खत्म, दो एलिमेंट आएंगे 1,2, 1,2,1 नहीं आएगा भाई मेरे, 1,2,1 नहीं आएगा, पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी तो देखो कितने हैं, दो ही दे रखे हैं ना, तो 1 और 2 ही बनेंगे बस, 1 तो फिर दोबारा आ गया जेड के साथ, उसमें क्या दिक्कत है, डिफरेंट एलिमेंट्स देखो ना, सेम सेम एलिमेंट थोड़ी आते दो बार सेट के अंदर। अब सेट में किसी सेट में तुम ये थोड़ी लिखोगे बी के अंदर कि 1,1,2, ऐसे थोड़ी होता है, 1 है तो 1 ही एक बार काउंट होगा ना, दो बार थोड़ी काउंट होगा,
ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक, लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का, ये क्वेश्चन नंबर 10। तो द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज एलिमेंट्स अमंग विच आर फाउंड, भाई ए क्रॉस ए में कुछ एलिमेंट हैं जो कि -1,0 है और 0,1 है। तो कुछ दो एलिमेंट दे रखे हैं ए क्रॉस ए के, और ए में कितने एलिमेंट, ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए कितने हैं आपके पास, 9 एलिमेंट है। 9, उन 9 में से इसका मतलब ये पता लग जाता है अगर ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है तो ए में कितने एलिमेंट होंगे बताइए, ए में कितने एलिमेंट होंगे, ए के अंदर 9 एलिमेंट है तो ए में कितने एलिमेंट होंगे, सीधी बात है आप ए क्रॉस ए कर रहे हो, ए क्रॉस बी नहीं कर रहे हो, तो आपको पता है इसके फैक्टर गुणा 3 ही आएगा, 9, 3 का स्क्वायर करना है इसमें, जिसका स्क्वायर बने तो ए में कितने आएंगे, 3। बिल्कुल सही जवाब है सुनील का, 3 एलिमेंट होंगे ए सेट के अंदर, अब पता लग गया। उसमें वो कह रहा है कि जो ए क्रॉस ए के अंदर जो एलिमेंट है उनमें से 2 एलिमेंट, 9 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट आपको दे रखे हैं, -1,0 और 0,1, उसमें से 2 एलिमेंट आपको दे रखे हैं, एक -1,0 और एक 0,1। तो ये बताने हैं कि ए के अंदर एलिमेंट वो नेमली कौन से होंगे, देखो 3 एलिमेंट इसने दे रखे हैं, ध्यान से देखो, एक -1 रखा है उसने, एक 0 दे रखा है, एक 1 दे रखा है, तभी एक रो से बना होगा ना। यहां पर आप ए के जो एलिमेंट लिखोगे वो क्या आएंगे, -1, 0 और 1। ये आप देखा करो कि जब भी एक क्रॉस ए के एलिमेंट दिए हों आपको तो उसमें डिफरेंट एलिमेंट देख लिया करो अपने, जैसे -1 डिफरेंट है तो -1 एक एलिमेंट जरूर होगा उसका, तभी वो -1 ऑर्डर पेयर के अंदर आया। 0 है, 0 अगर ऑर्डर पेयर के अंदर आ रहा है इसका मतलब एलिमेंट जरूर होगा, फिर अगला डिफरेंट एलिमेंट क्या, तो 1 अगर ऑर्डर पेयर, 1 अगर ए के अंदर होगा तभी तो ऑर्डर पेयर के अंदर आया है, तो इसलिए 3 एलिमेंट हमें चाहिए थे ए सेट के अंदर, वो हमारे बन गए -1, 0 और 1। इस तरीके से हम देख लेते हैं। ग्रीन और ग्रीन और ब्लू कलर, और आपसे पूछा है कि ए क्रॉस सी के अंदर अगर उसने बता दिया वो 9 9 एलिमेंट्स आएंगे और आपको बता दिया ए के अंदर 3 कलर बन आएंगे, तो आराम से देख के बता सकते हो ए के अंदर कौन कौन से 3 डिफरेंट कलर हो सकते हैं, पिंक होगा, ग्रीन होगा और ब्लू होगा, तो आप अपने आप बता दोगे ए के अंदर पिंक, ग्रीन एंड ब्लू। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो कि जब आपको एक सेट के एलिमेंट निकालने होते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में डिफरेंट एलिमेंट्स क्या क्या आ रहे हैं, वो तो सेट के एलिमेंट बनेंगे ही बनेंगे, तभी तो वो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है ना। डिफरेंट एलिमेंट्स देखा करो, पिंक एक डिफरेंट कलर हो गया, ग्रीन एक डिफरेंट कलर हो गया, ब्लू एक डिफरेंट कलर हो गया, तो यहां से आप देख सकते हो इस तरीके से। पॉइंट वन वो इस क्वेश्चन नंबर 10 पर आकर फिनिश हो जाती है, ठीक है। अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं, हम नया टॉपिक अभी शुरू नहीं करेंगे, कुछ और डिटेलिंग में इसको रिलेशन को करेंगे और फिर नए टॉपिक पर जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा है, अब देखो ये आपका एक्स्ट्रा अदर देन एनसीईआरटी क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देख लो जो अदर देन एनसीईआरटी का है, वो ये है कि अगर आर रिलेशन में एक आपको दिया हुआ है x, y सच दैट एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो आपको बताना है कि इस रिलेशन में कितने एलिमेंट आएंगे और क्या क्या एलिमेंट आएंगे, आपको ये आर फाइंड करना है, ठीक है ना। तो आपको ये ऐसे इंटीजर ढूंढने हैं जिनका स्क्वायर का सम 64 आता हो, ऐसे इंटीजर ढूंढने हैं जिनके स्क्वायर का सम 64 आता हो, ठीक है। तो जैसे आ गया आपके पास 0,8 और 0,-8, ठीक है ना, 0 भी एक इंटीजर है, 8 भी एक इंटीजर है, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको ये पेयर बना के बताना है कि इस आर के अंदर कितने एलिमेंट आपके पास आएंगे। या दूसरा काम आप ऐसे कर सकते हो, अगर ऐसे याद नहीं रहेगा आपको, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 64 आपको दिया हुआ है, तो वाई स्क्वायर जो होगा आपका वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 64 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर वाई की जो वैल्यू है कि प्लस माइनस आ जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर आप एक्स की वैल्यू डालते जाओ, इंटीग्रल वैल्यू डालो एक्स की, और वाई की अगर इंटीग्रल वैल्यू आती है तो वो आपकी वैल्यूज आर में आती जाएंगी। जैसे एक्स की वैल्यू आपने डाली 0, तो अगर आप एक्स की वैल्यू 0 डाल रहे हो तो यहाँ पर 0.8 और 0.-8 आपका पहले दो एलिमेंट बन जाएंगे। ठीक है नहीं? और इसके बाद इसमें दूसरी चीज हमें क्या देखनी है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि R के अंदर बाकी अगर कुछ और नंबर डालेंगे X में, जैसे 1 डालोगे 2 डालोगे, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा, उसका स्क्वायर रूट नहीं हो रहा। तो अगर स्क्वायर रूट नहीं होगा तो भाई आपके पास, अगर आपके पास वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो इसका मतलब उसमें आपका ये इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएगी वाई की, और अगर वाई की इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएगी तो वो आर के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है ना, वो आर के अंदर नहीं जाएगा आपका। तो यहां पर आप एक और कर सकते हो, 8.-8 भी कर सकते हो। दूसरा आप इसमें 8.0 भी कर सकते हो, -8.0 भी कर सकते हो, इनका उल्टा भी कर सकते हो आप। ठीक है नहीं, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहां से आप गिन सकते हो आपके एलिमेंट कितने बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 8, 8-8 पे चेक करो, 8 अगर आपने रखा तो 0, 8 नहीं आएगा, तो ये रहने दो, बाकी ये चार एलिमेंट आ जाएंगे, 0.8, 0.-8, 8.0 और -8.0, ये आपके आर के अंदर जो एलिमेंट बनेंगे, जिससे हमेशा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 64 होगा और एक्स और वाई हमेशा आपके इंटीजर्स होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको निकालने को